कुछ लोगों में से हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर पहले दिन से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हैं। हमारा बस चले तो 48 घंटे में शराबबंदी को यहां से हटा देंगे। क्यों? इसके तीन वजह हैं। शराबबंदी के जरिए आज तक दुनिया में, सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। इस दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। अगर होता तो दो दुनिया में अग्रणी देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, वेस्ट के यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, उस सब जगह शराबबंदी लागू होता। उन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, लोग ये बताते हैं कि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि शराबबंदी लागू हो। बिल्कुल ये बात सिरे से खारिज करता हूं, गलत बात है, लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं पिछले 2 बरस से नीतीश कुमार को और उनके जो भी लोग भी शराबबंदी के पक्ष में है गांधी के नाम पर, मैंने उनको खुली चुनौती दे रखी है। अगर आप गांधी को पढ़ने का समझने का दावा करते हैं तो मुझे एक पंक्ति गांधी जी का दिखा दीजिए, लिखा हुआ या बोला हुआ, जहां पर गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने शराब के को लेकर, शराब न पीने को लेकर एक सामाजिक प्रयास की बात कही है कि शराब पीना बुरी बात है, नहीं पीना चाहिए, समाज को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बना देना चाहिए। इसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि सबको वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कल होकर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो जो आदमी वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहारी नहीं रहेगा, सबको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो गांधी जी के बात बताई हुई बात का डिस्टॉर्शन है। तीसरी बात, मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी आप लागू, कुछ उसका फायदा है भी, तो फायदा तो तब होगा जब आप शराबबंदी लागू कीजिएगा। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है।